मतलब ये शब्द आजकल ना धनिया बिल्कुल आप लोग ठीक नहीं लेके आ रहे हो। अब अपना धनिया उगना है तो फिर ये टेंशन खत्म होनी है। पता नहीं आप लोग क्या करते हो इधर, आज भी धनिया बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये देखो कल वाला भी पड़ा हुआ है, ये भी अच्छा नहीं था, वो भी आप वापस नहीं करके आए, और ये धनिया भी अच्छा नहीं है। कादरी मैंने क्या भेजा था बेटा आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है कि आप खुश रहें, हंसते बसते रहें, फूलों की तरह आप मुस्कुराते रहें जी। और आज जुम्मतुल मुबारक है, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और आज ही किचन में ही हमारा सेटअप लगा है, क्योंकि आज हम थोड़ा सा लेट आए हैं इधर, तो यहाँ छांव आ गई है। तो किचन में, इस किचन में काम करना यकीन माने कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो जल्दी जल्दी से चीज़ें धो के ले आती हूँ ताकि हम अपनी कुकिंग करें स्टार्ट, फिर साथ साथ बातें वो तो होती रहेंगी। थोड़ी बहुत हमने अपने पौधों की सेटिंग चेंज की है जी। सारे पौधे हमने एक ही तरफ लगा दिए थे, तो इधर जो है ना वो थोड़ा रुखा रुखा लगता था। तो आज इकबाल साहब ने यहाँ पे ये वाले पौधे रख दिए। वैसे भी इनको धूप की जरूरत होती है, इस पौधे को भी धूप की जरूरत होती है। इस पर बहुत सारे फूल खिलते हैं, आज भी बहुत सारी इसकी कलियाँ बनी हुई हैं जो कल इंशाल्लाह खिलेंगी। और ये तो आप सबको पता ही है कि पौधा ही धूप वाला है, इसको धूप चाहिए होती है। तो बाकी भी मूलियाँ हमारी बड़ी अच्छी ग्रो कर रही हैं। पालक अभी तक नहीं निकली है, चार दिन हो गया लगाए हुए, पालक नहीं निकली, मगर मूलियाँ जो है वो दूसरे दिन ही निकल आई थी, जो अच्छे तरीके से उग रही हैं अभी। परसों हमने बनाए थे जी कुरकुरे, वो भी डीप फ्राई होते हैं। कल हमने बड़ी स्पाइसी किस्म की बिरयानी बनाई थी, तो वो दो दिन इस तरह की स्पाइसी चीज़ें खा के ना तीसरे दिन मेरा इजाज़त नहीं देता कि कोई और इस तरह की चीज़ खाई जाए। इसलिए फिर आज हम बना रहे हैं जी सादा सा खाना। आज हम बना रहे हैं जी चने की दाल, और सिलेंडर वाले चूल्हे पे इसलिए बना रही हूँ कि लकड़ियों वाला चूल्हा एक है, तो मैंने बनानी है साथ साथ रोटियाँ भी, ताकि खाना जो है वो जल्दी बन जाए। क्योंकि आज हम लेट आए हैं किचन में, इसलिए मैंने कहा चले हांडी जो है वो उधर पकाऊंगी, रोटियां जो है वो लकड़ियों का वाले चूल्हे पे पकाऊंगी, क्योंकि भाई गैस वारा नहीं खाती, बहुत महंगी गैस होती है। जैसे जैसे सर्दियां करीब आती हैं तो गैस और महंगी होती चली जाती है। अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना के डाल दिया है जी, और टमाटर भी बारीक बारीक काट के डाले हैं, क्योंकि जब बच्चे खाते हैं ना तो वो हरी मिर्चें या टमाटर अंदर ज़रा सा भी आ जाए ना तो निकाल निकाल के साइड पे फेंकते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कूट के डाल दूँ। तो अभी जी मैं इसमें स्पाइसेस शामिल करूँगी। और आज महक फातिमा के साथ जी बड़ा बुरा हुआ है, कुछ दिनों से ना ये शहजेब और महक फातिमा ना इन्होंने अपना वो मंगवाए हुए थे गले सेविंग बॉक्स, तो ये कुछ सेविंग कर रहे थे, मुझे नहीं उन्होंने बताया था। कहते हैं कि हमने ना सेविंग करनी शुरू की थी कि हम दोनों ने पैसे जमा करके तो अपने रूम की ना कुछ सेटिंग करते हैं, कुछ चीज़ें मंगवाते हैं, कुछ डेकोरेट करते हैं। हमारा रूम जब रूखा रूखा सा लग रहा है, तो मामा पापा को नहीं कहते, हम कुछ कर लेते हैं। आज पता नहीं शहजेब को क्या जुनून चढ़ा, उसने अपना गला फाड़ के पैसे निकाले। वो कहते हैं मैंने अपनी साइकिल पर बैटरी लगवा रखवानी है, क्योंकि उसने बड़ी लाइटें लगाई हैं साइकिल को, तो वो
उसको दे के महकमा वालों ने भी खोल दिया। अब शजेब के तो पैसे उसकी तवक्को से अच्छे निकल आए, मतलब वो कहता है कि मेरे मुझे ये तो कम निकलेंगे लेकिन सही निकले। लेकिन महकमा आत्मा तो रोने लग गई, वो कहती है मैंने तो इतने दिनों से कुछ खाया नहीं है, एक रुपया भी नहीं खाया, मैं सेविंग करती रही हूँ क्योंकि मेरे भी जेहन में कोई प्लान था, मैंने कहा या तो घर का कुछ करेंगे कमरे का तो या फिर मैं अपना भाया ले लूँगी। लेकिन वो कहती है कि मेरा कुछ मतलब ठीक ठाक पैसे कम निकले, तो वो रोने बैठ गई। फिर जी मैंने 500 रुपया दे के महकमा आत्मा को हौसला दिया, मगर ये बच्चों की जो शरारतें हैं ना, एक दूसरे को तंग करने के लिए करते हैं। मैंने कहा कल को आप लोगों को ये बातें याद आया करेंगे और यही बातें करके आप लोग खुश हुआ करेंगे कि फलाने ने ऐसे किया तो फलाने ऐसे किया। नया झाड़ू लेके आई थी जी मैं, और ये अभी देखा तो टूटा पड़ा है, पता नहीं अब ये कैसे टूटा है। अभी सफाई करनी भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है क्योंकि इसको जोड़ना भी कोई टेक्निकल तरीके से पड़ेगा, ये वाजा भी करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल अंदर से हाली है, पाइप्स है और कुछ ये समझ लें कि 80% टूट गया, थोड़ा सा इसका जुड़ा हुआ इसलिए इसको जोड़ना भी मुश्किल है, खाली टेप से जुड़ेगा भी नहीं। ये झाड़ू किस चीज के, तो झाड़ू ये प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक की कोई चीज है लेकिन ये बड़ा कंफर्टेबल है, बड़ा आसानी से लग जाता है और ज्यादा घिसता भी नहीं है। आखिरी बोती में पानी लगाते हुए डर लगता है कि हम सारे में घर पानी ना चला जाए। आज मैंने झाड़ू इसलिए लगाया था जी कि मेरा धोने का प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ पौधों को पानी लगाऊंगी अभी। हैदरी हैदर पौधों का दाना डालो, दाना नहीं मुझे लग रहा तुझे। चलो जी पाइप में नहीं रख दिया, वॉशिंग मशीन में, और मैं घूम जो आटा हैदर आपने ध्यान रखना है, इतना इतना पानी ऊपर थोड़ा सा रखना पका, हाँ इतना इतना पानी लगेगा ना, एक बार फिर आपने डालने का भी मशीन जी हमें इसी रूम में लगानी पड़ती है क्योंकि आपको पता है कि दिन में यहाँ इतनी शदीद धूप होती है ना कि काम बिल्कुल नहीं किया जाता। तो कल सैटरडे है, महक फातिमा को भी स्कूल से छुट्टी है और शहजेब को भी छुट्टी है क्योंकि शहजेब के स्कूल का ट्रिप जा रहा है। मैं बच्चों के स्कूल की हर बात मानती हूँ, कभी भी मैंने पूछा नहीं है, जितने पैसे मांगे जो बच्चा बोले मैं करती हूँ, लेकिन मैं ट्रिप पे कभी भी नहीं अपने बच्चे को भेजती। तो इसलिए शहजेब को भी छुट्टी है, अभी सिर्फ अवैस है घर जाना है, तो इसलिए मेरा दिल कर रहा है कि अब संडे का इंतजार नहीं करते, हम आज ही करते जाना बहुत बोले थे। वैसे इधर कहते मामा मैं पानी भरता हूँ मशीन में, हजरी ज्यादा नहीं डालना फिर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से आटा गूंथ देती हूँ क्योंकि प्रेशर को चलते हुए 15 मिनट हो गए हैं, तो 2-4 मिनट और रखेंगे और फिर हम वो भी खोल लेंगे अपना।
मैंने तो सोचा था कि आज लकड़ियों वाले चूल्हे पे रोटी बनाऊंगी, लेकिन मैं फातिमा कहती है मम्मा जी देर हो गई है, तो फिर नमाज भी पढ़नी होती है, मगर फिर नमाज कल भी हमारी लेट हो गई थी, तो आप ऐसे करेंगे यहीं पे जल्दी जल्दी निपटा लें। मैंने कहा चलो जी कुड़ी की गल भी सही है, मान लेनी चाहिए, तो इसलिए जी मैंने तवा रख दिया ऊपर गर्म होने के लिए, अब जल्दी जल्दी रोटी बनाएंगे। इकबाल साहब की भी आवाज़ आ रही है और शाहजेब साहब भी लगता है आपने बैठने लेकर वापस आ गए। शाहजेब साहब आ गए, हैदर कहता जी स्कूल बनाए किसने थे, स्कूल क्यों बनाए थे? हैदर को स्कूल जाने का बिल्कुल कोई शौक नहीं, अच्छी तरबियत के लिए। ये बड़ा होगा तुझे समझ आएगी, अभी बच्चा ना छोटा तब ये कहेगा हाँ वाकई स्कूल से। जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है ना, वो बहुत देर तक वो अपने आप को बच्चा ही समझता। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, खाना हमारा आज भी टाइम पे बन गया, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो अपने बहन भाइयों से भी शेयर किया करें, और इसके अलावा जी वीडियो को लाइक भी किया करें, प्यारे प्यारे कॉमेंट करके हौसला अफजाई भी किया करें, और इकबाल साहब को भी कमेंट किया करें कि ये भी मेरे साथ वीडियो में आया करें। इकबाल साहब आजकल हमें बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं वीडियो में, तो दुआ में याद रखिएगा जी, अपना भी रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़। Thank you.